आगामी 2019 के चुनाव को लेकर हरियाणा में बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जोर आजमाइश करने में लगी हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में शंखनाद कर दिया है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कई साथियों एवं विधायकों सहित हरियाणा में दस्तक दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को झज्जर के बेरी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बेरी के 3 सरकारी स्कूलों का जायजा लिया और साथ ही बच्चों व शिक्षकों से सीधा संवाद भी किया। वहीं इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री स्टैन जैन सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें, यहाँ पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के स्कूलों की हालत को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर ही यहां भी विकास करवाए। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस व इनेलो पर जमकर प्रहार किया। अरविंद केजरीवाल ने जहां इनेलो व कांग्रेस को जाटों की पार्टी बताया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को नॉन जाटों की। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए जहां भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी ओर इनेलो पार्टी बारे पूछे गए सवालों का भी पत्रकारों को जवाब दिया। स्कूल कौन ठीक कराएगा, अस्पताल कौन ठीक कराएगा, जो स्कूल ठीक कराएगा, जो अस्पताल ठीक कराएगा। इस बार चुनाव स्कूलों, अस्पताल, बिजली, पानी, किसानी, जवानों के ऊपर है। कोई ये कह रही है कि मैच हम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने बढ़ाया है टैक्स, सरकार ने नहीं बढ़ाया। मोदी जी ने इतना टैक्स बढ़ा दिया कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो जिसने बनाया वो तो कम करेगा। दूसरी चीज, आज दिल्ली में जो पेट्रोल और डीजल वालों की हड़ताल हो रही है, वो बीजेपी वाले जबरदस्ती करा रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल पंप वालों को धमकी दी है कि जो हड़ताल नहीं करेगा उसमें इनकम टैक्स क्लियर करवाएंगे। सारी जितनी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल वगैरह, उन्होंने धमकी दी है कि जो पेट्रोल पंप वाला हड़ताल नहीं करेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बम्बई में दिल्ली से कम 6 रुपए लीटर ज्यादा महंगा पेट्रोल है, बाकी हो रही हड़ताल ना बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है, उससे लोगों को तंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका।